जय श्री राम दोस्तों द द लेजेंड ऑफ़ हनुमान की अगले सीज़न की रिलीज़ डेट आ चुकी है और इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है तो दोस्तों जब भी ये सीज़न की रिलीज़ डेट या फिर सीज़न के एपिसोड्स आते हैं तो अलग से पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आ जाती है और देखने में तो और भी मज़ा आता है तो इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 2021 में सीरीज़ यह स्टार्ट की गई जिसमें 2021 हज़ार इक्कीस में, में इन्होंने दो सीज़न्स लॉन्च किए जिसमें तेरह तेरह एपिसोड थे उसके बाद में 2024 तक का हमें वेट करना पड़ा और जनवरी में इसका सीज़न थ्री लॉन्च किया गया कुछ सात एपिसोड्स के जरिए उसके बाद में जुलाई में फिर इसके कुछ एपिसोड्स लॉन्च किए गए सीजन फोर के तौर पे और अब अक्टूबर में 25 अक्टूबर को फिर से इसके सीजन्स सीज़न फाइव आ रहा है जिसमें सारे एपिसोड एक ही दिन लॉन्च किए जाएंगे कितने एपिसोड होने वाले हैं ये अभी तक नहीं पता चला हालांकि सात से आठ एपिसोड होंगे जैसा कि ट्रेलर हमें लग रहा है उससे ये ज़रूर पता चल रहा है कि सात से आठ एपिसोड होने वाले हैं दोस्तों जिस तरीके से ये अब लॉन्च कर रहे हैं सीजन्स को मल्टीपल सीजन इना येड लॉन्च कर रहे हैं तो अक्टूबर में इसमें लॉन्च किया गया तो फिर से एक्सपेक्टेड है दो में एक सीज़न यानी कि सीजन सिक्स जरूर आने वाला है तो संकेत मात्रे और शरद केलकर की आवाज़ फिर से हमको सुनने को मिलेगी राम और रावण के रूप में और वो आवाज़ इतनी अब लोगों को भाग गई है कि जब देखते हैं तो अंदर से फील करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं और इसका जो एनिमेशन है वो बहुत ही तगड़ा है जिसे लोग देखना बहुत पसंद करते हैं और साथ में दोस्तों जितने हमने अभी तक सीजन देखे हुए हुए हमने रामायण भी देखी होगी जिसमें आपने बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे और अद्भुत चमत्कार भी देखे होंगे लेकिन इसमें जो लेजेंड ऑफ़ हनुमान में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है कुछ ऐसी अनकहीं चीज़ें देखने को मिलती हैं जाकि ना को आपको रामायण में लिखी हुई मिलेंगी ना ही किसी किताब में लिखी हुई मिलेंगी लेकिन ये यहाँ पर पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं वो कैरेक्टर्स को वो एक स्टोरी को जो देखने में बहुत अच्छी लगती है पता नहीं वो रियल है कि नहीं रही है और उससे हमें नहीं मतलब फिलहाल जो देखने में अच्छी लगती है एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है वो सारी चीज़ें मस्त लगती हैं अब सीजन की हम बात करें तो दोस्तों राम का हो चुका है किडनैप राम और लक्ष्मण का हो चुका है किडनैप और वो किया हुआ है राम रावण के भाई अहरावण ने तो अब जा चुके हैं पाताल पातालोक तो पूरा सीजन इसी के ऊपर चलने वाला है कैसे राम और लक्ष्मण अपने आप को बचाएंगे और कैसे उनकी सेना यानी कि हनुमान सेना उनको बचाने के लिए पाताल पातालोक जाएगी और अहिराव से कैसे टक्कर लेगी क्योंकि अहिरावण पातालोक का राजा है और वहां भी उसके पास इतनी पावर है कि उसे कोई हरा नहीं सकता जैसा कि उसका मानना है लेकिन रावण जो जितना छल और कपटी है वो अपने भाई की यानी कि रावण की ही कुर्सी चाहता है राम और लक्ष्मण को ख़त्म करके अब हनुमान क्या करेंगे कितनी यहाँ पे हमें नई पावर हनुमान के देखने को मिलेगी क्योंकि ट्रेलर में कुछ अजीब अजीब चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी जैसे कि हमने यहाँ पे राम हनुमान का एक शेर रूपी हमने भी देखा जिसमें उनके पास कई सारे शर जो हैं वो शेर के लग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें नई देखने को मिलने वाली हैं और ओवरऑल मज़ा आने वाला है हर एक एपिसोड इंटरेस्टिंग इतना होगा कि हो सकता है उसे आप एक ही दिन में ख़त्म करते हैं एपिसोड की लेंथ जो होती है वो पहले भी देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी नहीं तीस से पैंतीस मिनट की एपिसोड लेंथ होती है वहीं सेम यहाँ पे भी होने वाली है डिजनी फर्स्ट स्टार पे ये आपको मिलने वाला है और ये एपिसोड जो पच्चीस तारीख को लॉन्च हो जाएगा तो आप देखने के लिए तैयार रहिएगा मज़ा आने वाला है ओवरऑल जो इसकी स्टोरी इस क्रिएटिव होती है साथ में जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में नरेशन होता है उसके बाद में जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो सारी ए वन क्लास की होती है और सबसे बड़ी चीज़ इसका एनिमेशन एनिमेशन इतना तगड़ा है कि सबको बहुत ही बेहतरीन और बहुत भाता है तो ओवरऑल अच्छी होने वाली ये सीरीज भी ये सीजन भी यानी कि सीजन नंबर फाइव तो इस सीज़न नंबर फाइव को इंजॉय करिएगा जब आएगा तो मैं और डिटेल्स आपके सामने लेके कर आऊँगा फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय